Hello everyone. Yesterday I talked about coming live to address some of the questions. I'm very sorry for the delay because there has been some guests coming in. So for that reason, I just wanted to help you people in whatever capacity I can. Kindly, let's just wait for a few seconds and then will address the questions. ये साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा होगा. हेलो एवरीवन. हेलो. हेलो मनीषा. प्रेपरेशन यार दिल्ली से भी करी थी, घर से भी करी थी, बट लेट अदर पीपल कम एंड देन विल एड्रेस द क्वेश्चन. आई रिमेम्बर यू मानसी गोयत. जी दीदी नमस्ते. So it's 7:11. Let's just wait for 10 more minutes and then. So I'm just noting down some question regarding coaching. Hello Yogendra Siroha. Optional. अच्छा UGHG वाले भी आ गए हैं. वाह. Prerequisite. Thank you, Mikesh Yadav, for your kind words. Magazines. Hello, Ankit Sharma. Revision. Starting preparation from college. अच्छा upcoming pre के लिए current affairs. Stream. Ethics. Revision strategy. Last 10 days ki preparation strategy. This is a very good question. I'm giving 2022. How much should be completed before January? What should be our focus on before January? Okay. 2022 का तो बहुत दूर है अभी. 2021 वाले पूछ लो पहले. अच्छा 2022 का बता देते हैं साथ साथ. ऑप्शनल पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बता देंगे, टेस्ट सीरीज भी बता देंगे, कोचिंग भी बता देंगे. कॉलेज के साथ साथ प्रेपरेशन. ऑप्शनल तो हो गया ऊपर क्वेश्चन. एनडीए. एनडीए का तो यार मेरे को नहीं पता, बाकी देखते हैं क्या बता सकते हैं इसमें. कैन वी कम टू मीट यू एट विलेज बामला. ऑफ कोर्स यू कैन कम जब तक मैं इधर हूँ. मिरांडा हाउस. मिरांडा हाउस वालों के लिए हमारी सादर नमन, सादर नमस्कार. हम सेम कॉलेज से हैं. नोट्स वैसे सब ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स बता चुके हैं, उन्हीं का फॉलो किया था मैंने. एक सेकेंड. हाउ मच वर यू स्कोरिंग इन प्रीलिम्स. ठीक है स्कोर्स का भाई बता देंगे.
डेली टाइम टेबल। ओके, आज के लिए ये क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं आराम से ना। ओके, थैंक यू स्वाति। वील ऑल्सो हैव अ सेशन इन मिरांडा हाउस कॉलेज। आज विजयलक्ष्मी मैम से बात हुई थी, तो कॉलेज में भी सेशन करेंगे आराम से। ऑनलाइन सेशन भी होगा कॉलेज में, ऑफलाइन भी कर देंगे, ठीक है। सी सैट भी बता देंगे रेहान। ओके, इधर कोई ज्ञान देने की स्ट्रैटेजी हम नहीं बताने वाले। जो मैंने किया था वो थोड़ा बता दूंगी, आपसे थोड़ा सीख लूंगी, और जो हमने किया था और कैसे हेल्प कर सकते हैं उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो जिनको थोड़ा सा यूजफुल लगे सेशन देख लेना, अदरवाइज तो इट्स अ ओपन लिबरल, यू आर अ फ्री पर्सन, यू मे कम एंड यू मे गो। सो रिगार्डिंग कोचिंग, सो मैंने कोचिंग ली थी थर्ड ईयर में, मिरांडा हाउस में से ग्रेजुएशन करी है मैंने, तो उसमें मैंने साथ साथ कोचिंग ले ली थी, वाजीराम से ली थी पर हाँ, और उसके बाद वापस घर आ गई थी मैं और घर से ही तैयारी करी थी। इसके अलावा देखो, आपको अगर खुद लग रहा है कि आपको स्ट्रैटेजी मतलब आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आपके कोई सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा वीक चल रहे हैं, तो उस केस में आपको कोचिंग लेनी चाहिए। मैंने तो बस साथ साथ इसलिए ले ली थी क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ईयर निवेश करना चाहती थी कोचिंग के लिए, तो साथ साथ इसीलिए ग्रेजुएशन में ही कर ली थी। बाकी आपकी खुद की चॉइस है ये कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। रिगार्डिंग ऑप्शनल, आई थिंक आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जो आप डेली पढ़ सकते हैं, डेली सर्वाइव कर सकते हो, उसको कितने घंटे पढ़ा लो आपको, तो उस केस में मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ले लिया था, और क्योंकि ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट था, तो मेरी फ्रेंड ने भी वही, तो PSIR इज अ वेरी गुड ऑप्शनल, सो फॉर दैट आई थिंक मेरे लिए अच्छा सब्जेक्ट था। आपको जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जैसे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये भी हम मतलब अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। बाकी मैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की अलग वीडियो बनाऊंगी, कुछ कोचिंग वालों ने भी बोला है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिवली जो एक आप एक काम कीजिएगा, विक्रम गरेवाल भैया थे मेरे कजन, तो उन्होंने 2019 में 51 रैंक की थी उनकी भी, मेरी भी 51 ही है, तो उन्होंने बहुत डिटेल्ड स्ट्रैटेजी दे रखी है विजन पे, तो एक बार वो जरूर देख लेना, ठीक। रिगार्डिंग प्री रिक्विजिट, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी प्री रिक्विजिट टू क्लियर दिस एग्जाम। आई थिंक ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर हार्ड वर्क, एंड इवन इफ यू हैवंट स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन योर 12th क्लास और योर कॉलेज वेयर एवर, इट डजेंट मैटर, इट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू वर्क डेली। आप एक साल इस पेपर को दे सकते हो या नहीं दे सकते, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम। अगर आप पूरे पूरे शिद्दत से इस पेपर को दोगे तो आप पेपर आराम से क्लियर। यस, विक्रम गरेवाल भैया जी, ही इज अ कजन ऑफ माइन, डिस्टेंट कजन। रिगार्डिंग, सो दिस वॉज रिगार्डिंग द प्री रिक्विजिट, आप मेहनत करके, आप कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता इधर, आप एक साल लगाइए पेपर में, एक साल न्यूज़पेपर को दीजिए, मैगजीन्स को लीजिए। मैगजीन्स के रिगार्डिंग मैंने योजना, कुरुक्षेत्रा और साइंस रिपोर्टर ये सब देखी थी, दे वर वेरी गुड मैगजीन्स, गवर्नमेंट मैगजीन्स थी, तो इसलिए अच्छी मैगजीन्स थी, आप वो देख सकते हो। साथ साथ आपकी मेंस में हेल्प करती है मैगजीन्स, क्योंकि आंसर राइटिंग सब्जेक्ट मैटर अच्छा मिल जाता है। उसके अलावा रिगार्डिंग न्यूज़पेपर, सो आई रेड हिंदू एंड एक्सप्रेस, और इंटरव्यू के टाइम मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया देख लिया था क्योंकि वो थोड़ा डिबेट अच्छे से कवर करते हैं, तो हिंदू या एक्सप्रेस में से एक ले लो और टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हो, इट्स अ वेरी गुड पेपर, आई एंजॉयड रीडिंग इट इन द एंड। रिविजन आपको बैक टू बैक मारनी पड़ेगी। देखो मैं अपना एक थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ, बाकी तो मैं और डिटेल बताऊंगी। मई 2019 में मैंने ग्रेजुएशन शुरू करी और कुछ प्रेपरेशन शुरू करी, उसके बाद
शुरुआत के फेज में बेसिक बुक्स करी थी, फिर मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए थे, बैक टू बैक डेली करना, और फिर डेली बार बार रिविजन मारना, एटलीस्ट 10 to 12 रिविजन आर नेसेसरी, तो आपको रिविजन बहुत बार मारनी पड़ेगी। उसके अलावा मेंस की अलग, फिर मेंस में आपको बार बार आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, तो यही सब होगा। बाकी हम मैं बता रही हूँ आपको, मैं डिटेल वीडियो जो एग्जैक्टली एक एक जो मैंने जो जो चीज़ें करी हैं वो अभी, क्योंकि मैं नोट्स के साथ समझाऊंगी, जो मेरे नोट्स हैं उनके साथ कोशिश करूंगी कि दैट वुड हेल्प यू, तो वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रीम, मतलब 10th 12th में स्ट्रीम, देखो आपको जो मन करे ना वो स्ट्रीम लेना। ह्यूमैनिटीज मन कर रहा है ह्यूमैनिटीज ले लो, नॉन मेडिकल, मेरे को मैथ्स करना अच्छा लगता था तो मैंने मैथ्स ले लिया था, बाकी नॉन मेडिकल मेडिकल सब्जेक्ट अच्छा है। तो आपकी खुद का इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से मन से पढ़ सकते हो, आप वही स्ट्रीम लीजिए। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट। एथिक्स के सोर्सेज मैंने कुछ, एक तो लुकमान आईएएस के आंसर्स आंसर्स पढ़े थे, टॉपर्स के आंसर्स पढ़े थे, दे आर वेरी गुड आंसर्स, तो उससे आपको डायरेक्ट बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं, तो उसके वो हो गए। और देन देर आर सम बुक्स, उनके ऑथर्स मैं भूल रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑथर्स बता दूंगी। एथिक्स के लिए तो मैंने मेनली यही सॉल्व, और एक जैसे भैया ने बताया था कि आप, तो मैंने भैया की, विक्रम भैया की ही स्ट्रैटेजी को ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, और उन्होंने जो जो बताया मैंने उसको अच्छे से फॉलो किया। इसके अलावा फिर एथिक्स के सोर्सेज की बात कर लेंगे। रिविजन की स्ट्रैटेजी, रिविजन की स्ट्रैटेजी यही है कि आपने अगर एक बार बुक्स पढ़ ली हैं तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करिए या तो उसको मार्क कर लीजिए या लिख लीजिए, ताकि जब एग्जाम पास हो, जैसे स्टैटिक सोर्सेज हैं आपके, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशंट हिस्ट्री हो गया, तो इनके नोट्स आप पहले ही तैयार कर लो, ताकि एग्जाम पास आए तो उसकी बैक टू बैक आप रिविजन मार सको, है ना। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। देखो भैया ने मुझे 200 मॉक टेस्ट का लेक्सिकन, जैसे एक लेक्सिकन है, एक और है, एक ब्लैक कलर का कवर है उस बुक का, बड़ी अच्छी किताब थी वो भी। तो भैया ने मेरे को 200 टेस्ट सीरीज का वो दिया था टारगेट कि 200 टेस्ट सीरीज कर लेना, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, तो नियर अबाउट 250 टेस्ट सीरीज, आई थिंक 200, 150 से 200 टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर सकते हो। एंड आई थिंक माई, वन ऑफ माई वेरी बेस्ट फ्रेंड मृदुल पवार, शी ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट इन दिस होल प्रोसेस, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि उसको टेस्ट सीरीज ने बहुत ऐसे हेल्प किया, तो दिस इज अ टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी, एवरीबडी कैन इम्प्लीमेंट इट। देन तो टेस्ट सीरीज आप कौन सी लगा सकते हो, विजन की अच्छी है टेस्ट सीरीज, फॉरम के सिमुलेटर की टेस्ट सीरीज बड़ी अच्छी लगी मुझे, फिर आपकी नेक्स्ट आईएएस की भी अच्छी है टेस्ट सीरीज, और फॉरम की हो गई, केएसजी के मैंने कुछ टेस्ट सीरीज लगाई थी, फिर बाजीराम के भी देख लिए थे मैंने। लास्ट 10 डेज की देखो, अभी 10 अक्टूबर वाले बच्चों को एक बार प्रायोरिटी दे देते हैं, योगेंद्र सिरोवा जैसा बोल रहे हैं कि हार्डली आई थिंक 14 डेज आर लेफ्ट, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट देम कि एक बार पास्ट ईयर पेपर बार बार देख लेना। देखो एक बात कहते थे भैया कि आपके जो आंसर होगा ना, क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपके उधर क्वेश्चन में ही होगा उसका आंसर, तो आपको एविल जो बिल्कुल डिटेल्स पे फोकस करना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और कोशिश करना कि जो जो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके वो क्लियर हैं तो आप सही आंसर पे पहुंच पाएंगे। इसके अलावा रिगार्डिंग, तो आप ऐसे, मैंने ऐसे देखो रिजल्ट आने से पहले मैंने स्ट्रैटेजी बना ली थी अगले 15 दिन की, कि भाई नहीं हुआ तो क्या आगे पढ़ेंगे, तो उस केस में मैंने ऐसे बांट लिए थे सब्जेक्ट की, 2 दिन में एक दो सब्जेक्ट कर देंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एक साथ कर लिया, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स एक साथ कर लिया, फिर सी सैट और करंट अफेयर्स एक साथ कर लिए, एनवायरनमेंट जरूरी है, उसके अलावा साइंस एंड टेक हो गया, तो ऐसे पिलर्स में बांट लो और ऐसे 2-2 दिन में खत्म कर दो उनको, जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है नोट्स, जैसे PT365 आर वेरी गुड सोर्सेज, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखो टेस्ट सीरीज की बात कर रही थी ना मैं, मॉक टेस्ट की बात कर रही थी कि एटलीस्ट आप 150, 200 टेस्ट लगाएं, अभी तो जो 2022 वाला है उनके लिए बता रही हूँ मैं, कि आप सिलेबस करके फिर आप टेस्ट वो लगा सकते हो टेस्ट सीरीज, और वो फाइनेंशियली वो ऑफिशियल लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट में अवेलेबल होती है वो, तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती।
कॉलेज में प्रेपरेशन कैसे करें? तो कॉलेज देखो, फर्स्ट और सेकंड ईयर आई थिंक यू शुड फोकस टोटली ऑन योर कॉलेज, बिकॉज वो टाइम वापस नहीं आएगा. इंजॉय द एक्टिविटीज़ मैंने थोड़ा कम करी थी, तो लाइब्रेरी में जाना, एक्स्ट्रा एकेडमिक्स पे फोकस करना. जहाँ पे भी कॉलेज में जा रहे हो आप सिलेबस अच्छे से कवर करो, क्योंकि जो आप कॉलेज में पढ़ोगे वो आपकी यूपीएससी में कहीं ना कहीं आएगा. ठीक है. उसके अलावा डेली टाइम टेबल, यार हर किसी की अलग सरकाडियन रिदम होती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं. तो उस केस में मैं तो सुबह उठ के मेरा स्लीपिंग टाइम 11 to 6 होता था, 7 घंटे का. तो 7 बजे मैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करती थी, तो 1.5 घंटा लग जाता था न्यूज़पेपर में, एक एक 1.5 घंटा. फिर एक हैवी सब्जेक्ट ले लिया जिसको आप पहले कर सकते हो. फिर मॉक टेस्ट का भी वही टाइम होता है, 9:30 से 11:30 मेन प्री का टाइम है ना, तो उसी टाइम का कोशिश करना कि अपने मॉक टेस्ट उसी टाइम लगाओ. फिर आपके हो गए, फिर थोड़ा सा जो आप ये बाकी चीज़ आप ब्रेकफास्ट वो सब अब देख लेना कैसे कैसे होता है. उसके अलावा जो लंच का टाइम होता है थोड़ा सा ब्रेक ले लिया. फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, जैसे अनअकैडमी पे बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं, तो आप अच्छा रिसोर्स है वो, अच्छा सोर्स है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप थोड़ा लाइट सब्जेक्ट ले लो जब आपको नींद ज्यादा आए. फिर आप तो ऐसे आप पूरा दिन ऐसे दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट ना थोड़ा बोर हो जाते हैं हम, कि सारा दिन एक सब्जेक्ट हम पढ़े. ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं. उसके अलावा न्यूज़पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया कौन से मैंने पढ़े थे. बाकी करंट अफेयर्स विजन के मैं फॉलो करती थी, ऑल इंडिया रेडियो में डेली सुनती थी, और कभी कभी वो PIB के सोर्सेज होते थे, तो ऑल इंडिया रेडियो पे अच्छे न्यूज़ आती हैं. और फिर उनके चैनल स्पॉटलाइट वगैरह भी अच्छा प्रोग्राम है, तो वो हम कर सकते हैं. ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बता रही हूँ मैं, जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं. ठीक है. उसके अलावा और क्या था, शाम को फिर आप वही, आप यूट्यूब हो गया, फिर करंट अफेयर्स जैसे क्विज कर लिया, GS कोर का क्विज अच्छे आते थे, तो इनसाइट्स के स्टैटिक क्विज बहुत अच्छे हैं. तो जो जिस कोचिंग का आपको जो मटेरियल अच्छा लगे ले लो, मतलब सिविल्स डेली का हो गया, तो ऐसे कोई ये बंदिश नहीं है कि ये कोचिंग का जो, हाँ से आपको जो सोर्स अच्छा लगे आप उसका आप यूज कीजिए. उसके बाद आ गया डेली टाइम CSAT. CSAT के लिए मैंने बस लास्ट ईयर पेपर करे थे, कुछ मैथ्स के फॉर्म जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टाइम वर्क एंड टाइम वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बेसिक चीजें देख लिया. और उस पेपर में थोड़ा प्रेशर मैनेज करना आना चाहिए, कि आपको लगता है कि प्री तो हो गया अभी CSAT कैसे करें. तो जो शॉर्ट टर्म जो 10 अक्टूबर वाले बच्चे हैं उनके लिए बस मैं यही बोलूंगी, पिछले साल के पेपर देख लो एक बार, मेन मेन वर्क टाइम फॉर्मूला वो सब देख सकते हैं हम. और इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ा था, बजट देख लिया था. विभास सर को मैं फॉलो करती थी, तो सर सर का टेलीग्राम पे चैनल है, विभास सर इकोनॉमिक्स एंड एडिक्शन के नाम से. तो सर बहुत अच्छे क्वेश्चंस देते हैं, उन्होंने प्री के लिए पूरा सोर्स दिया हुआ है, अभी वो मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे, तो सर को मैंने अच्छे से फॉलो करा था. और तो आतिश माथुर सर का भी टेलीग्राम चैनल है, जो गवर्नेंस पे देते हैं, तो उनके भी अच्छे रिसोर्सेज देते हैं, वो एथिक्स पे भी अच्छा देते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, आतिश माथुर सर का और विभास सर, विभास झा सर है वो, और उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड एडिक्शन के नाम से बड़ा अच्छा चैनल है, उसमें क्विजेज हैं और क्वेश्चंस हैं. देखिए मेरे को हिंदी के रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं पता, तो मैंने शुभ्रा मैम के नोट्स ही फॉलो करे थे मेनली. तो और न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स बुक्स ज़्यादा नहीं थी, मैम के नोट्स ही शायद मेन सोर्स थे. अभी मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ. दीदी आपने एग्जाम देने के बाद कोई इंटरव्यू वगैरह भी, पता नहीं क्या लिख रखा है ये, समझ नहीं आया. मीडियम इंग्लिश, मेरा तो इंग्लिश था, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो. बेस बिल्कुल बेसिक से कहाँ से स्टार्ट करें? NCERTs मेरे हिसाब से बेस्ट सोर्सेज हैं. सिलेबस देख लो, पिछले साल के पेपर देख लो, यही बेसिक चीजें होती हैं. रोम शर्मा, ऑप्शनल की कोचिंग नहीं ली थी मैंने, सिर्फ क्रैश कोर्स लिया था प्री के बाद. CSAT के बेसिक्स, पास्ट ईयर पेपर्स और NCERT की हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं किताबें. अच्छा मैं से इंटरव्यू की बात आराम से करेंगे, एक बार जो प्री वाले बच्चे हैं ना उनको फोकस रखते हैं ना, चिंकी 007 07. नोट्स जरूर मिलेंगे. प्रदीप, अरे प्रदीप KM कॉलेज से नमस्कार. काडर तो यार भर दिया हमने, अब देखते हैं कि कौन सा मिलेगा. मेरा स्कोर शुरुआत 90 से होती थी, सॉरी 80 90 से,
शायद 70 भी आए, बहुतों में तो 66 भी आए थे। तो उधर से खत्म होते होते 90 एवरेज हो गया, फिर 100 एवरेज हो गया, 100 के बाद 100 बहुत दिन चला, फिर 110 हो गया, लास्ट में आते आते 120, 130, 125 एवरेज हो गया था। और शायद लास्ट ईयर के प्री में इतना ही कुछ स्कोर आया था मेरा, 125, 130 के आसपास। तो प्री की अच्छी अच्छी होगी थी यार, सही हो गया था। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, यार ये तो बड़ी लंबी स्ट्रैटेजी होगी, आप अभी बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही हैं, जैसे घुल मिल जाओ लोगों में। प्रेपरेशन का टाइम, एक साल लगता है पेपर देने में, एक साल लगता है प्रिपेयर करने में, तो आई थिंक 2 ईयर्स आर सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम। देखो कोविड के टाइम में ऑनलाइन भी सही है, तो आप देखिए ऑप्शन ही नहीं, अगर ऑफलाइन नहीं हो रही तो ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था सोनी यादव। वीकेंड बैच मैंने शाम वाला किया था, 5 to 7:30 वाला। हाँ मिरांडा हाउस में आऊंगी, कुमकुम मैम ने बुलाया है, देखते हैं क्या होता है। लबाशना यार आएगा सिलेबस परमार, तीन वर्ड्स वाली बात मतलब, अच्छा सॉरी। अरे आप सबके लिए टाइम है, मैं तो सोच रही थी कि मेरे बस की है नहीं ये सब करना, पर कोशिश करूंगी कि जो मैंने किया उसकी हेल्प कर पाऊं मैं, है ना, मतलब उसमें से आप जो सीख पाए। इसलिए मैम आई विल अपीयर फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2023, सो व्हेन शुड आई स्टार्ट। न्यूज़पेपर तो यार कभी कर लो, थोड़ा सा बेसिक ऐसे हो जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ते हैं ना, तो हम मतलब बेसिक न्यूज़पेपर तो आप अभी कर सकते हो। हिंदू एक्सप्रेस अच्छा पेपर है, हिंदू एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया में से जो मन करे एक पेपर उठा लो, पेपर पढ़ने में ज़्यादा। टेस्ट सीरीज मैंने बता दिया आपको, विजन अच्छा है, बाजीराम भी अच्छा है, नेक्स्ट आईएस भी अच्छा है, फॉरम भी बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं। विच बूम डिड यू प्रेफर फॉर साइंस एंड टेक? साइंस एंड टेक PT 365 और साइंस रिपोर्टर आती है, गवर्नमेंट की मैगजीन है। डूइंग ग्रेजुएशन साथ साथ कर लो आस्था बेनीवाल। होम कैडर भरा तो था यार, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं। अभी बुक लिस्ट बता देंगे, बुक लिस्ट टॉप मतलब जो ऑलरेडी हमारे टॉपर्स पहले वाले उन्होंने शेयर करी थी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, तमिलनाडु वाली बुक जो बेसिक मैथ्स की है, सॉरी उसकी हिस्ट्री की, उसके अलावा आपकी हो गई नितिन सिंघानिया होगी, फिर ज्योग्राफी के लिए लूसेंट, नहीं लूसेंट कह रही थी उसका नाम तो था यार, बुक के नाम में भूल रही हूँ मैं, जी सी लियोंग और बेसिक ज्योग्राफी हो गई हमारी, जो एनसीईआरटी वाली ज्योग्राफी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। और पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत इज बेस्ट बुक, एटलीस्ट 16-17 बार पढ़नी पड़ती है किताब मेरे हिसाब से, तभी उसकी एक एक लाइन समझ आती है। बाकी साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए बता दिया, एनसीईआरटी पढ़ लो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, विभास सर के रिसोर्सेज अच्छे हैं तो वो देख सकते हैं हम, और एक अर्थपीडिया नाम से अच्छा चैनल है तो उधर हम कर सकते हैं कि अर्थपीडिया देख लिया बेसिक, है ना, वो हम कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो नेक्स्ट ईयर वाले हैं ना उनको, उनके लिए मैं जितना मैंने करा जो मैंने अच्छे से किया उसके हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ताकि मेरे से जो हो सके मैं दे पाऊँ आपको, थोड़ा बहुत भी आपका थोड़ी बहुत भी हेल्प हो। ज्योग्राफी बुक जी सी लियोंग और एनसीईआरटी। ऑप्शनल के लिए बुक्स नहीं, मैंने तो मैम के नोट्स ही करे थे, शुभ्रा मैम के नोट्स अच्छे, मैम अच्छे अच्छे नोट्स हैं मैम के जी। योगेंद्र जी अभी स्टार्ट करके डेफिनेटली इट वुड टेक 8 मंथ्स, 8-9 मंथ्स, सो गुड इनफ टाइम आई थिंक, है ना। 2023 वालों को तो बहुत टाइम मिल जाएगा, अच्छे से बात करेंगे उनके साथ। मैं अभी भिवानी हूँ पर बामला चले जाएंगे थोड़े दिन में। दो बुक लिस्ट यही बता दी थी लक्ष्मी का, सॉरी उसकी एथिक्स की ना लेक्सिकन थी और एक और बुक थी, वो मैं बता दूंगी। वीकली हाँ वो डेली जो होती थी कोचिंग 5 to 7:30 वाली, प्लीज शो रूम यार, बहुत अभी बहुत ऐसे बिखरा पड़ा है।
चलिए आई हैव टेकन इनफ योर टाइम. बिल्कुल हो सकती है घर पे पढ़ाई. मैंने तो ग्रेजुएशन करके मैं घर ही आ गई थी और घर से ही करा है सब. अच्छा, क्योंकि घर वाले होते हैं, खाना वाना मिल जाता है टाइम से. बाहर तो हर किसी यार अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लो, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि कहीं से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है प्रेपरेशन. सिलेबस, डेली रूटीन, टाइम टेबल मैंने बता दिया था, एक बार देख लेना आप रिकॉर्डेड वीडियो. सिलेबस इस एग्जाम का इतना सुंदर है ना, बस क्या बताऊँ मैं आपको. प्रीलिम्स के लिए आपको करंट अफेयर्स, तो बेसिक आपकी हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट, मिडिविल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री. देन देर इज कल्चरल पार्ट विच इज द एंशियंट कल्चर एंड मिडिविल कल्चर. देन देर इज इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपकी ये सब आता है, अर्बनाइजेशन, कास्ट, क्लास, ये सब. फिर आपकी आती है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस. देन देर आर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपका एग्रीकल्चर, बेसिक इकोनॉमिक्स, जो मनी है वो सब आप देख लेना, पिलर्स. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एथिक्स हो गया. और मेंस एग्जामिनेशन में मेरी नानी रहती है दिल्ली उधर ही, तो नानी के साथ ही थी मैं. आप पहले सिलेबस सुन लो एक बार. एथिक्स, एथिक्स हो गया सिलेबस, इतना सुंदर सिलेबस एथिक्स का. तो किया मतलब मेरा थोड़ा एथिक्स का पेपर नॉर्मल, मतलब अभी मार्क्स आने के बाद पता लगेगा कौन सा सब्जेक्ट सही गया था, तो मैं फिर और डिटेल में बता पाऊंगी आपको मेंस का कि कहाँ पे मैंने गड़बड़ करी होगी, तो उसके हिसाब से देखेंगे. हिस्ट्री भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, विक्रम भैया के पास वही था अंशु. वाजीराम इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, एवरी इंस्टीट्यूशन इज अ गुड इंस्टीट्यूशन आई थिंक. मतलब टीचर्स तो अच्छे ही होते हैं, बट हाँ वाजीराम इज अ गुड इंस्टीट्यूशन आई थिंक. इंटरनल सिक्योरिटी भी थी, तो वो भी विजन के नोट्स ही थे, और मेन विजन के नोट्स ही थे. करंट अफेयर्स वो कर देते हैं, है ना. तुम आ गई हो मृदुल, इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शन. यार मेरा इकोनॉमिक्स में थोड़ा हाथ ऐसे इतना स्ट्रांग नहीं है. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एक तो एक टेस्ट सीरीज मैंने प्री के साथ मतलब पहले ही लगा ली थी, पर इतना लिख नहीं पाते थे क्योंकि ज्यादा शुरू में प्रैक्टिस नहीं हुई थी. बाद में प्री के बाद एक जो 1.5 महीने का गैप होता है ना, तब अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम मिल जाता है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम तब कर सकते हैं, मैनेजेबल है, डोंट वरी. वाजीराम में जाने की कोई डीमेरिट्स? क्लासेस बहुत, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा होते थे तो बहुत टाइम लगता था लाइंस में खड़े होने का, तो डीमेरिट एक वही था, बट ऑनलाइन में वो मैटर नहीं करता. देखिए टीचर हर जगह, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ आपको बहुत अच्छे से सिलेबस करा देंगे, कई जगह ठीक है काम चल जाता है. पब्लिक यार ऑप्शनल, मैं PSIR का बता सकती हूँ, है ना, क्योंकि वो मेरा था. और ऑप्शनल, ऑप्शनल सारे बढ़िया हैं, सब्जेक्ट तो सारे अच्छे होते हैं, किसी में दे दो आप टाइम. करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए यार, PT365 पढ़ी थी, ऐसे इसके नोट्स बना लिए, जैसे एनवायरनमेंट के नोट्स बना लिए, स्कीम्स के नोट्स बना लिए, इंडिसेस के नोट्स बना लिए, रिपोर्ट्स के नोट्स बना लिए, और किसके नोट्स बनाए, स्पीशीज के, कि कौन सी स्पीशीज कौन से इंडेंजर्ड है या कैसे कैसे है, कौन सी न्यूज में थी, उसके नोट्स थे. साइंस एंड टेक के भी जो नोट्स बनाए थे मैंने उस साल के, जो मेन चीजें थी, है ना. तो ऐसे करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए, ऐसे पिलर वाइज सब्जेक्ट बांट के फिर नोट्स बनाए थे. अवनीत सर वॉज वेरी गुड. हाँ जी मैम के नोट्स मुझे तो सफिशियंट लगे यार. आई 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 लाइक मैम्स नोट्स वेरी मच. आई टुक द क्रैश कोर्स विच वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, सो वी कैन डू दैट. येस इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट द सिलेबस इन 8 months. अग्नि आई थिंक न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाए. हाँ मैं थोड़ा लिख लेती थी, क्योंकि डेली बेसिस पे आप एक दो लाइन लिख लेते हो तो आपका शेड्यूल सा बन जाता है पेपर पढ़ने का. बाकी न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने का ज़्यादा ऐसे, फिर मेंस में जैसे यूँ था कि इंपॉर्टेंट इशूज थे ना, उस हिसाब से लिख लेते थे, तो ऐसे न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाती थी मैं प्रॉपर. सुब्रा मैम के नोट्स मेरे हिसाब से सफिशेंट हैं, मतलब टॉपर्स भी बोलते थे पहले, तो मुझे सर लगा मेरे सही हो गया यार, बाकी मार्क्स आने पर डिपेंड करेगा.
इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश, रीड न्यूज पेपर एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, आई थिंक दैट कैन हेल्प. हेलो प्रांजल, और बताइए आप कोई नया क्वेश्चन. सी आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं था, मैं आपके क्वेश्चंस ज्यादा मैं लिख लिए थे वैसे, बट मैं कोशिश करूंगी कि एक रिकॉर्डेड वीडियो कोई कोचिंग सेंटर अभी जैसे विजन भी या नेक्स्ट आईएएस वाले भी कह रहे थे सर, कि एक बार हम कोशिश करेंगे कि जो मैंने करा था मैं उसको ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली समझा पाऊँ, तो उस हिसाब से मैं प्लान करके आपको बता दूंगी, जो मेरे से हेल्प होगी आई विल डू दैट. भिवानी में और इसी गली में रहती हूँ, इधर ही कहीं. यस यू कैन कंप्लीट ऑप्शनल टिल दिसंबर. रेहान, आई कंप्लीट, आई मेड नोट्स इन द फर्स्ट गो, मैम के नोट्स पढ़ के खुद के नोट्स बना लिए थे एक डेढ़ महीने में, तो हो जाता है ऑप्शनल, ज्यादा दिक्कत नहीं देता. फिर रिविजन मार लेना बार बार, है ना. खुशबू अग्निहोत्री, यस आई रिमेंबर यू, आई विल रिमेंबर माई फ्रेंड्स नाउ बिकॉज आई थिंक दे वर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. आर्स डेली, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि सब पूछ रहे हैं यार. यूपीएससी में शायद घंटे मैटर ही नहीं करते, आपकी लाइफ स्टाइल ही यूपीएससी बन जाती है, डेली आप इसी के बारे में सोचते रहते हो, तो क्या ही घंटे मैटर करते मेरे हिसाब से. फ्री के लिए 150 to 200, आई थिंक दे आर गुड इनफ पेपर्स, वेरी वेरी सफिशेंट टू प्रैक्टिस. डेली आप देखोगे ना, डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आदत बन जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना. मृदुल से अच्छे से बात करेंगे, है ना, बिकॉज शी हैज सच अ रेलेवेंट क्वेश्चंस. मैम ऑनवर्ड जनवरी आई स्टार्ट जीएस, सिटिंग टाइम और कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग टिप्स. मे बी यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन समटाइम्स इफ दैट कम्स योर माइंड, यू कैन डू सम स्पोर्ट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड. सोसाइटी एंड इंटर्नशिप विच ड्यूरिंग कॉलेज, कॉलेज का ना मिरांडा हाउस वाले पे सेशन पे बात करेंगे अच्छे से कॉलेज की. वट यू डिड एक्स्ट्रा दैट ब्रिंग रैंक 51, आई डोंट नो वट एक्स्ट्रा आई डिड, आई जस्ट फॉलोड माई कजिन्स गाइडलाइंस एंड जस्ट वर्क डेली, आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट. प्रीवियस ईयर पेपर सारे सॉल्व कर लेना रेहान, दे आर वेरी गुड पेपर्स. PSIR की स्ट्रेटजी पढ़ लो एक बार, नोट्स बना लो खुद के थोड़े से, क्योंकि बार बार पढ़ने पड़ते हैं, है ना. उसके अलावा टेस्ट सीरीज लगा लेना बस, मेन चीज तो यही होती है. चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इंटरेक्शन, बिकॉज बहुत दिनों से ये सोशल मीडिया बंद ही था, तो अब देख कैसे कैसे चलाते हैं, अभी सीखेंगे. एंड देन आई ट्राई टू डू माई बेस्ट इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन. आई थिंक थैंक यू सो मच पीपल, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. गुड नाइट.